हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मेरी कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि विड आई क्यू के थ्रू मैंने अपनी वीडियो को कैसे रैंक में करवाया है, यानी कि जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि विड आई क्यू को आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कैसे आसानी से चला सकते हैं। काफ़ी ईजी है। अगर अभी अभी आपने वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है, आप काफ़ी समय से बना रहे हैं लेकिन आपकी कोई सी भी वीडियो अभी तक रैंक नहीं हुई है, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप विड आई क्यू को कैसे चला सकते हैं, अपनी वीडियो को कैसे सर्च में ला सकते हैं, आपको टाइटल कैसा लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसी देनी है, थंबनेल कैसे लिखना है और साथ ही टैग को कैसे लगाना है। क्योंकि नई नई वीडियो बनाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल और टैग ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी हम हमारी वीडियो को आगे रैंक करा सकते हैं। थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कुछ वीडियो को देखा होगा, थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है लेकिन उनकी जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है काफ़ी अच्छी रहती है, इससे उनके वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज आने लगते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं तो उनके बिल्कुल भी व्यूज नहीं है। जो अभी अभी जिन लोगों ने स्टार्ट किया नया, वो कहीं ना कहीं कोई सी ट्रिक लगा के अपनी वीडियो को आसानी से वायरल और उसको सर्चेबल टॉपिक में लाकर वीडियो को ग्रो करवाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अब आप मेरे ही चैनल पर देखेंगे कि कुछ वीडियो पे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, हज़ारों में है, लाखों में, लेकिन कुछ वीडियो पर नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपने एक दो बार कोई सी वीडियो देखी या यही वाली वीडियो देखी और आप सोचते हैं कि वीडियो को तुरंत हम विड आई क्यू में जो भी सर्चेबल टॉपिक है वो चुने, कैसे क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन थंबनेल कैसे देना है और वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है आपकी एक बार में भी हो सकती है या आपको 4 से 5 बार या 10 बार मेहनत करनी पड़ सकती है, तो आपकी वीडियो धीरे धीरे रैंक हो जाएगी। लेकिन हमको कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपकी वीडियो जरूर रैंक करेगी, जरूर सर्चेबल टॉपिक के अंदर आएगी। यानी कि आपका ऐसा जब यूट्यूब पे कोई सी चीज़ को सर्च किया जाएगा तो आपकी वीडियोज़ में 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर पर आ सकती है, जिससे उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि विड आई क्यू को आपको कैसे चलाना है। आप सबसे पहले प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप जिस भी जीमेल से अपना चैनल क्रिएट किया हुआ है उसी चैनल से उसको चलाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। विड क्यू एप्लीकेशन में जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 जो अभी जो चलते हैं यानी कि जो ट्रेंडिंग में हैं, आपको 3 तरीके के ऐसे वो दिखेंगे, एक हाई, एक वेरी हाई और एक मीडियम। जिस पे भी आपको वीडियो बनाना है आप बना सकते हैं। आपको 3 टॉपिक रोज़ के यहाँ पर सजेस्ट करेगा, यानी कि आपको एक हेल्प मिलेगी कि हमको किस अभी कौन से ट्रेंडिंग में वीडियो चलाना चाहिए। यहाँ पर आप करेंगे तो शो पर, तो आपकी जितनी भी वीडियो हैं उनके बारे में बताएगा यहाँ पर। फिर हम बैक आ जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये सर्चेबल जो टैग लिखते हैं उसका है, कीवर्ड कौन सी, ओपन कीवर्ड सर्च। आप यहाँ पर आपकी जो भी आपको सर्च करना है जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो है, अब हम इसको करेंगे तो ये बताएगा, जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे वैसे। अब यहाँ पर कंप्यूटर रिपोर्ट्स, ये आपके चैनल के बारे में ही बताएगा। फिर आप बैक आ जाइए। इस तरीके से हम अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये डिसमिस कर दिया, ये आप जिससे भी रिलेटेड वो बनाते हैं वीडियो उसका ही आपको सजेस्ट करेगा इस तरीके से। ये एडिट मोर कंप्यूटर, यहाँ पर आप जो भी चैनल को यानी कि आप जिसकी वीडियो देखते हैं आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आप 3 लोगों का नाम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बैक किया। अब हम डेली आइडियाज़, अब देखिए ये सेव्ड आइडिया, यानी कि जो आप अगर आपके जो आइडिया आपको पसंद आते हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में 3 देता है आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डिसमिस करते हैं, यानी कि बहुत समय से स्टार्ट किया था और आपने नहीं देख पाए हों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय या इतने दिन पहले यही वाली वीडियो यूट्यूब पर आई थी या इतनी आई थी, रिस्टोर आइडिया है ये इस तरीके से। अब जो सबसे खास है रिसर्च, आप कोई सी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ये यूट्यूब पर वीडियो
चैनल कैसे बनाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने तरीके के ये आ गए हैं। आप चाहते हैं यहाँ से टेक कॉपी करना तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये किया। अब यहाँ पर बताएगा कंपटीशन। अब देखिए इसका जो कंपटीशन है वो हाई है और वॉल्यूम है 67%। मनोज डे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा टीच चैम्पियन सपोर्टेड ये। अब आपको इससे रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड है वो यहाँ पर मिलेंगी। आप जैसे जैसे इसको ऊपर करता जाएंगे, इसको करेंगे तो ये और ज़्यादा ज़्यादा बताता जाएगा इस तरीके से हाई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तीन चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं जिनके चैनल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर जिनकी भी बनती है। आप जैसे ये इस पर क्लिक किया, ये देखिए कॉपी टैग, इस पर आपने कॉपी टिक किया, इस पर कॉपी टैग लिखा हुआ आ जाएगा। तो ऐसे आते हैं ऑप्टोमाइज, ये आप ही की वीडियो के बारे में बताएगा। आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपकी पूरी वीडियो आ जाएंगी। मोर पर आप देखेंगे ये, तो इसका तो हमको कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ पर वीडियो बनाना चाहते हैं और आप देखते हैं ये रिलेटेड कीवर्ड के कौन सी जो वीडियो है टैग है उसमें हमको कैसी कीवर्ड लगानी चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी चाहिए, कैसा टाइटल होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये आपको एक ऑप्शन देता है। इससे मैंने अपनी काफ़ी चीज़ों की जो वीडियो बहुत सारी इसी से थ्रू बनाई जो काफ़ी अच्छी मतलब आगे गई हैं और जिन पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ और ये आए हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको डेली तीन आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद है। आप भी वीड आई क्यू को ऐसा यूज़ करके अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं, व्यूज़ बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे अगर आपने अभी नया चैनल बनाया है या आप अभी वीडियो बनाना आपने स्टार्ट किया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नए में यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो पर व्यूज आएँ, सब्सक्राइबर बढ़ें और हमारा चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।